First Choice Kids Wear, धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ, स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर। फैंसी बाबा सूट, चूड़ीदार, वेस्टर्न आउटफिट, होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ। फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस। वैरायटी की भरमार, अच्छी क्वालिटी, कम दाम। आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि कुरान पाक से 26 आयतें जो है वो हटाई जाए। इसको लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और ख़ास तौर पर इसी पर बात करने के लिए हम मुमरा कौसा के जमीतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना वहाब कासमी से बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरह से वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि कलाम पाक से 26 आयतों को रिमूव किया जाए और इन आयतों के बारे में जिस तरह से उन्होंने जो जानकारी दी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे मौलाना साहब आप, जिस तरह से वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि कलाम पाक से 26 आयतें हटाई जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान करीम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया है। वो ऐसा कलाम है कि उसमें 26 आयतें क्या एक नुक्ता भी आदमी इधर उधर नहीं कर सकता है। और तकरीबन 1400 साल हो गए वसीम रिजवी जैसे बहुत लोग आए और कुरान करीम की तहरीफ के बारे में सोचा, लेकिन वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने खुद कह दिया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून कि इसको हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाज़त करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी हिफाजत का खुद ज़िम्मेदार है, कोई इंसान और कोई आदमी, दुनिया की कोई ताकत उसको बदल ही नहीं सकती है और उसमें तहरीफ कर ही नहीं सकती है। वसीम रिजवी जैसे बहुत सारे लोग आए जो बहुत दुनिया के पूरी दुनिया पे जिनका असर था और पूरी दुनिया जिनके इशारों पे चलती थी, उन लोगों ने चाहा कि इसमें कुछ तहरीफ करें, वो अपनी मुंह की खा के चले गए। वसीम रिजवी जैसे बेवकूफ़ लोग तो दुनिया में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और वसीम रिजवी जो ये सब कर रहा है वो सिर्फ अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए, अपनी बदउनवानियों को छुपाने के लिए, और जो उसने घोटाला किया है, जो घपला किया है, उस घपले से लोगों के ज़हन को मुंतशिर करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। बाकी इसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारे हिंदू भाई, बहुत से ऐसे हिंदू भाई हैं जिन्होंने कुरान करीम की तफसीर लिखी है, कुरान करीम का तर्जुमा पूरे दुनिया में उनका चल रहा है, रूहुल बयान, ये सारी चीज़ें हैं जो हिंदू भाइयों ने लिखी है, और वो लोग कहते हैं कुरान में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो वसीम रिजवी की क्या हैसियत है? उसकी तो कोई हैसियत नहीं, हम उसको कोई बढ़ावा हम लोग देना ही नहीं चाहते हैं। और जो वसीम रिजवी याचिका करता है उनका कहना है कि जो 26 आयतें हैं इनमें कुछ है ऐसा है कि नफ़रत, खून खराबा ऐसा फैलाने वाली बात ये बता रहे हैं वसीम रिजवी, तो क्या वाकई में ऐसा है? देखो, कुरान करीम की जो आयतें हैं, ये आयतें जो हैं वो उसके आगे पीछे उसका पस मंज़र है, ये कब आयतें नाजिल हुई हैं और क्यों नाजिल हुई हैं। जिसे कहा गया है कि फ़क्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम कि मुशरिकों को कत्ल करो जहां पाओ, ये कहां के बारे में कहा गया है? जब उस वक्त मुसलमानों को लोग सता रहे थे, मुसलमानों को अपने घरों से निकाल रहे थे, मुसलमानों को मुल्क बदर कर रहे थे, और वो लोग जहाँ चाहते थे मुसलमानों को पकड़कर कत्ल कर देते थे, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी कि तुम अपनी दिफा के लिए जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनको तुम भी इस तरह करो। और ये हर धर्म में है, हम आज जंग लड़ रहे हैं, हम अगर आज हमारे साथ कोई मुल्क हमारे मुल्क के ऊपर हमला करेगा तो क्या हम जो है अपने मुल्क की दिफा के लिए उनको नहीं मारेंगे, हम भी गोली चलाएंगे? अगर पड़ोसी मुल्क या दुनिया का कोई मुल्क हमारे हिंदुस्तान पर, हमारे मुल्क पर आकर के हमला करे और हम लोग चुपचाप बैठे रहें, कहें नहीं हमला करना जायज़ नहीं है, तो ये कोई बात हो सकती है? अगर कोई हमको मारेगा तो हम भी मारेंगे। इस तरीके से जो पहले की आयतें नाजिल हुई थी, वसीम रिजवी का कहना है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवान जो है वो भटक रहे हैं,
कितना सही है ये? बिल्कुल, कोई भी मुस्लिम नौजवान नहीं भटक रहा है। कुरान तो और सही रास्ता दिखाता है। कुरान करीम पे चलकर आज हम लोग पूरे कुरान को हम लोगों ने पढ़ा है, और हमारे जितने उलमा हैं पूरी दुनिया के अंदर हम लोगों ने कुरान को पढ़ा है, और कभी भी हमारे दिल में ये बात भी नहीं आती है कि हम मुसलमान हैं तो किसी दूसरे को लाओ मार दे। अरे कुरान की तालीम तो हमने भी लिया है ना। अगर हम लोग कुरान की तालीम पर चल रहे हैं तो हम लोगों से तो वो सारी चीज़ें जाहिर होनी चाहिए। लेकिन कभी आपने देखा? आप अपनी मिसाल ले लीजिए, अपने शहर की, हमारे ऑफिस की, और हम लोगों के जो ताल्लुकात हैं। हम एक आलिम हैं, कुरान करीम को हम फॉलो करते हैं, कुरान करीम की हर हर आयत को हम फॉलो करते हैं, और जो अल्लाह ने कहा है हम उसी पे चलने की कोशिश करते हैं। आपने कभी देखा कि हमने कभी तकरीर में कहा हो या किसी से कहा हो कि भाई जाओ फुला जगह मार दो किसी को? ये सारी बकवास बातें हैं। वसीम रिजवी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है, और इस तरीके से करके जो कट्टरपंथी लोग हैं शायद उसको अपने सर पे उठाएं और वो अपने ये तमाम मुकदमा से थोड़ा आगे। क्या लग रहा है, जिस तरह से वसीम रिजवी ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज काफ़ी नाराज़ है इससे, और एक मुस्लिम समाज का जो तबका है कहीं ना कहीं इनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचा है, तो जमीयतुल उलमा हिंद वसीम रिजवी पर किस तरह का जो है कानूनी कार्रवाई करेगी, कुछ एक्शन लेगी जमीयतुल उलमा हिंद? देखो, वसीम रिजवी की तो कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग उसको कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। वसीम रिजवी जैसे बहुत लोग आए और चले गए। हाँ, इसने जो इस तरह की बातें की हैं, तो ये सिर्फ हम लोगों की नहीं, सिर्फ जमीयतुल उलमा नहीं, पूरे दुनिया के अंदर जितने मुस्लिम लोग हैं और गैर मुस्लिम लोग हैं जो अच्छा जहन रखते हैं, उन लोगों को भी दिल को ठेस पहुँचा है, लेकिन वो इसको कुछ अहमियत नहीं देते, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। और ऐसी कोई बात आएगी शरीयत पर, कुरान पर, हदीस पर, अल्लाह के रसूल पर, तो जमीयतुल उलमा हमेशा खड़ी रहती है, और जमीयतुल उलमा हमेशा तन मन धन से इस ये सब मामले को हल करने की कोशिश करेगी। क्या लगता है आपको, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो दायर कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर किस तरह से फैसला देगी? क्या अगले हफ्ते में इसकी सुनवाई भी होने वाली है, तो क्या लग रहा है आपको कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकती है? देखो, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजस वगैरह हैं, जो जज हैं और जो मुंसिफ वगैरह हैं, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनको सारी चीज़ें मालूम रहती हैं, और वो इतने बड़े होते हैं को हर चीज़ को जान जाते हैं। उनको मालूम है इसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसमें कोई बात ही नहीं है, वो इसको सुनवाई क्या करेंगे? अगर सुनवाई भी करेंगे तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से मौलाना वहाब कासमी, जो जमीयतुल उलमा हिंद मुमरा कौसा के सदर है, उन्होंने जो याचिकाकर्ता हैं वसीम रिजवी, उन साफ तौर पर कहा है कि इनकी कोई महत्व नहीं है, कहीं ना कहीं जो है समाज को बरगलाने के लिए ये एक नया जो है कारनामा लेकर सामने आते रहते हैं। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।